पांच चरण के चुनाव अब तक हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब न्यूज 18 इंडिया का काफिला पहुंच चुका है हरियाणा। मैं रूबिका लियाकत कार में सरकार का ये एडिशन लेकर आपके सामने हाजिर हूं। यहां आज हमारे साथ होंगे हरियाणा का सबसे कद्दावर चेहरा और सबसे यंग चेहरा, मतलब असल माने में जो कहते हैं ना कि युवा चेहरा, वो युवा चेहरा दुष्यंत चौटाला जेजेपी को बनाने वाले और आगे लेकर जाने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप तैयार हैं? तो चलिए, तैयार हैं हम उन तमाम सवालों के साथ, क्योंकि हरियाणा वो इकलौता राज्य है जहां पर समझ नहीं आ रहा है कि होने क्या वाला है। तो हम सवालों की झड़ी शुरू करते हैं। कैसा चल रहा है हरियाणा का इलेक्शन? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत लंबा चुनाव है, लगभग 62 दिन का चुनाव प्रचार लोकसभा के लिए पहली बार हुआ है। और 2014 का जब मैं चुनाव लड़ा था उस समय तो मात्र 28 दिन चुनाव में मिले थे, और इस बार जिस तरह का प्रचार चला है मैं मानता हूँ बहुत अलग नतीजे आएंगे, बहुत बदलाव लोग चाहते हैं। एक तो आपके मन और आपके दिल को भी तो कोई समझ नहीं पा रहा ना दुष्यंत जी, कभी आपको मोहब्बत आम आदमी पार्टी से हो जाती है, कभी आपका दिल बीजेपी संग लग जाता है, फिर ऐन चुनावों के वक्त आप उनसे अलग हो जाते हैं। आपके मन में और दिल में चल क्या रहा है? देखिए, जहाँ आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस की बात थी, हाँ, वो दौर था जब पार्टी को खड़ा किया था और उस समय एकदम लोकसभा का चुनाव का दौर था और उनके साथ मिलकर हम चुनाव लड़े थे। और चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने निर्णय ले लिया था कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो हमने सभी 90 सीटों पर कंटेस्ट किया। और 90 के बाद स्टेट को स्थायी स्थिर सरकार देने के लिए हमने कदम उठाया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, क्योंकि उनके पास 40 विधायक थे, 10 हमारे पास थे, और दोनों ने मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी सरकार 4.5 साल चलाई है जिसने प्रदेश को बढ़ाया। मतलब गजब की केमिस्ट्री थी, दोनों अलग विचारधाराएं, एक नॉन जाट पार्टी, एक खालिस जाट पार्टी, 4.5 सब कुछ बढ़िया चला, और वो भी तब जब किसान आंदोलन था, फिर आप जानते हैं रेसलर्स वाला मूवमेंट आया, फिर भी आप पार्टी के साथ बने रहे, साथ दिया। जहाँ आप कास्ट पॉलिटिक्स की बात करते हैं, मुझे लगता है कि हमारी प्राथमिकता थी महिला और युवा, और हमने उनके लिए बहुत कर दिया है। आज प्रदेश के अंदर पंचायती राज में 50% महिलाओं को हिस्सेदारी देने की बात हो, राशन डिपो में हिस्सेदारी देने की बात हो, युवाओं के लिए 75% लोकल एम्प्लॉयमेंट कानून लाने की बात हो, आज स्टूडेंट्स के लिए बस पासेस की बात हो, आज उनके लिए नए कोर्सेज बनाने की बात हो, हमने निरंतर 4.5 साल में जो कदम उठाए हैं वो हमारी जो सोच थी उसको मजबूत करने के लिए उठाए। और हम कामयाब। पर अलग क्यों हुए फिर आप? सीट शेयरिंग की बात थी, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो ये चाहेगी कि जो उनकी प्राथमिकताओं की सीट है उस पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन कह रहे हैं आप बड़े वाले चाणक्य निकले हैं, आपने ये सब इसलिए किया है ताकि जाट आपके साथ रहे, ऐसा ना हो कि छिटक जाए, उनके साथ नॉन जाट रहे, आप दोनों इसे साधें और चुनावों के बाद आप साथ आ जाएं। मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे बड़ा कानून के अंदर बदलाव मैंने जो किया वो 8% BCA को पंचायती राज में हिस्सेदारी दी। आज नाई, तेली, कुम्हार, सुनार, लोहार हो, पंचायत में मेंबर बनना भी बहुत बड़ी बात होती थी, और आज इनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कदम है। तो कोई कास्ट स्पेसिफिक पॉलिटिक्स ना तो हमारे संगठन ने कभी करी और ना आने वाले भविष्य में हम सोचते कि हमें इस तरह की पॉलिटिक्स की प्रदेश में जरूरत है। लेकिन मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे, क्या ऐसा होगा कि आप, चलिए मान लिया आपको बाकी सब लोग भी वोट कर रहे हैं, आप लोग साथ आ जाएंगे बीजेपी और जेजेपी? 90 की 90 सीटों पर जो नायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, आज कोई कहता हो कि बीजेपी के साथ हम चुनाव लड़ेंगे तो बिल्कुल तथ्य गलत है। नहीं, चुनावों के बाद साथ जा सकते हैं उनके? बिल्कुल, मुझे नहीं लगता आज कोई परिस्थिति बनेगी। अभी अगर लोकसभा चुनावों की तो बात हो ही रही है, विधानसभा चुनाव, मतलब सरकार गिर रही है नायब सैनी की, आपने कहा कि मैं कांग्रेस को बाहर से समर्थन इस मामले में देने को तैयार हूँ, खबर ये आ रही है कि उनकी सरकार गिरे ना गिरे आपकी पार्टी दो फाड़ हो जाएगी एकदम महाराष्ट्र के अंदर। उस समय भी लोग आए थे और संगठन के बाहर से हमने लोग लिए थे, जब भी पार्टी खड़ी होती है तो लोग आते हैं, अलग अलग संगठनों से आते हैं। आज उनमें से कुछ लोगों की सोच होगी कि वो अपने पुराने पैतृक संगठनों की तरफ जाएं, आप क्या उनको रोक सकते हैं? एक जुड़ाव आपका किसी न्यूज चैनल से आज रहा है और 2 साल बाद बदल जाए और
दस साल बाद आपको ये लगे कि मुझे प्राथमिक चैनल में ही वापस जाना है, तो क्या आपको कोई चुनाव में रोक सकता है? ये चीजें समझने की है। वो बात मैं समझ गई, लेकिन मान लीजिए वो चैनल ही तोड़ दे आदमी, जैसा आपकी पार्टी को लेकर इस वक्त ये सवाल चल रहा है। एक चीज अशोर कर सकता हूँ, दस में से सिर्फ दो लोग हैं, आप और आपकी मम्मा। फिर आपके तथ्य खराब गलत है। आज के दिन भी तीन लोगों ने डिसेंट किया है और उन तीनों के खिलाफ पार्टी ने स्पीकर को ऑलरेडी लिखित में दे रखा है कि इनने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेज शेयर करे हैं और ये पॉलिटिकल विचारधारा जिसपे इलेक्ट होकर आए थे। आज हमारे पास आर्टिकल 10 के तहत ये पावर है कि उनकी सदस्यता भी जाएगी, वो XMLA का टैग भी नहीं लगा पाए, और हमने उस कार्रवाई की मांग को आगे कर दिया है और जो कार्रवाई होगी अब तो बॉल्स इन स्पीकर्स कोर्ट, स्पीकर उस पे कदम उठाए। आपने तो खत भी लिखा है बकायदा। क्या नायब सैनी की सरकार गिर सकती है हरियाणा, बीजेपी की सरकार? आज के दिन भारतीय जनता पार्टी 46 विधायकों के साथ विधानसभा में आई और 46 विधायकों के साथ जब विधानसभा में आई तो उनने बहुमत साबित किया, नायब सैनी को शपथ दिलाई। उसमें से तीन विधायक 46 में से ऑलरेडी गवर्नर को लिखकर भेज चुके हैं कि हम सरकार से समर्थन वापस लेते हैं। दो एक निर्दलीय विधायक जिनने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, रंजीत सिंह जी, उनकी सदस्यता ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है, उनने रिजाइन कर दिया था, और वही दूसरे मनोहर लाल जी जिन्हें नायब सैनी के लिए अपनी सीट को छोड़ा, तो दोनों की मेंबरशिप ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है। तो 5 MLA उस सरकार से माइनस हो गए, 41 आ गए, और आज की 88 की असेंबली में 45 का आंकड़ा छूना भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है। क्या नायब सैनी वो बहुमत साबित कर पाएंगे, ये उनको फ्लोर टेस्ट कराना पड़ेगा। हमने तो गवर्नर को ये लिखा है क्योंकि आर इलेक्शंस आर ड्यू इन 3 months कि आप फ्लोर टेस्ट कराइए, प्रेसिडेंट्स रूल लगाइए और इलेक्शन कमीशन को लिखित में दीजिए कि प्रदेश में दोबारा चुनाव कराएंगे। आप कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी पर लड़ेंगे। ये तो विधानसभा की बात हुई, मैं लोकसभा चुनावों की बात कर रही हूँ। मान लीजिए इंडिया गठबंधन उतनी सीटें ले आता। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा था 5 साल, NLD का मैं मेंबर था उस समय, और उस समय 5 साल में ना हमने कांग्रेस का साथ दिया ना हमने बीजेपी का साथ दिया। हमने हरियाणा के विषय में जिसने मुद्दा उठाया उसको उस समय हाउस ऑफ द फ्लोर में हमें लगा कि हमारी प्राथमिकता जैसे GST का इशू था वो देश के लिए अच्छा था, तो उस समय तो सारा देश एक हुआ था उसके अंदर। उसके सिवाय विषय जो आए थे, आप उस समय की डिबेट्स भी उठा रखे, एक एक विषय पर हमने बीजेपी को आड़े हाथ भी लेने का काम किया। ऐसा क्या था कि दो प्रमुख मुद्दे, चाहे वो रेसलर्स की मांग रही हो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की या फिर किसान कानून रहे हो, ये इन दोनों में आप मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़े रहे? अंदर खाने जरूर आप उनको वार्न करते रहे होंगे, लेकिन सीट शेयरिंग में आप मतलब पार्टी हित इन मुद्दों से ज्यादा बड़ा साबित हो? देखिए, मुद्दों की बात नहीं है, दोनों इश्यूज वर नेवर रिलेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट। पहली चीज तो ये है, दोनों इश्यूज जो रिलेट करते थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, और दोनों इश्यूज पर उस समय हमने अपना स्टैंड क्लियर रखा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कृषि कानूनों पर भी स्पष्ट कहा था कि ये कानून वापस होंगे, और हमने निरंतर बीजेपी से इस पर चर्चा भी करी क्योंकि ये स्टेट स्पेसिफिक मामला नहीं था। हम विधानसभा में बीजेपी के साथ रहते ना रहते तो भी उसका कोई फायदा नहीं होता। आज भी भारतीय जनता पार्टी तो हमारे बिना भी प्रदेश में सरकार चला रही है। तो और जहाँ रेसलर्स का इशू था, दिल्ली पुलिस का बृजभूषण सिंह और रेसलर्स का मामला था, तो उसके अंदर हरियाणा सरकार का कोई औचित्य नहीं बनता था इंटरफेयर करने का। पर वोटर तो आपके थे, लोग आपके थे, हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले। हरियाणा के खिलाड़ियों की बात है, उनका पूरा सम्मान है, और मैं एक एक खिलाड़ी को कोई आज से नहीं जानता। मैं तो इनको आधों को तो बीजिंग ओलंपिक से जानता हूँ 2008 से, और निरंतर बात भी होती रही है, विषय पर चर्चा भी होती रही है, क्योंकि ये सेक्सुअल हरासमेंट का मामला था। इसके अंदर शायद गवर्नमेंट से पहले पुलिस हैड टू डू ऑल द इंक्वायरी, जो दिल्ली पुलिस ने करी है, और जो पिछले दिनों मीडिया रिपोर्ट से भी मैंने देखा है कि आज के दिन उसमें चार्जशीट फाइल होगी है, शायद 4-5 चार्जेस भी लगे हैं, एंड लेट्स सी अब कोर्ट क्या लेता है। लोकसभा चुनावों पर मैं आपको दोबारा लेकर आ रही हूँ, 400 में से कितनी सीटें दे रहे हैं आप बीजेपी को? बीजेपी कह रही है 400 पार। कल हिसार डोर टू डोर कर रहा था और एक कपड़े की दुकान में गया और एक लेडी सूट खरीद रही थी। उस लेडी ने जब उसको रेट
कोट हुआ तो 400 का बोला और बार्गेन करती करती वो 200 पे रहेगी। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से ये मुद्दा बनाया गया 400 पार का, शायद ये 200-250 के बीच में ना निपटे। अरे बाप रे, आप बड़ा कह रहे हैं 250। मैं तो 250 माइनस पहले दिन का कह रहा हूँ। अच्छा, और आपको कितनी सीटें आ रही है हरियाणा में? मैं तो ये मानता हूँ, हमारी चाहे गुड़गांव की सीट हो, फाजिलपुरिया बहुत अच्छी तरीके से लड़ रहा है, चाहे श्रीमती नैना चौटाला जी हिसार की सीट लड़ रही है, चाहे भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट हो, एंड करनाल की सीट भी आज के दिन ऐसी परिस्थिति में है कि हम बहुत अच्छा चुनाव वहाँ लड़ रहे हैं। अगर पोलराइजेशन आखिरी के 2 दिनों में किसी विषय पर नहीं होती तो इन चारों सीटों पर बड़े मजबूती के साथ पार्टी की। आपने तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों पर। आप कह रहे हैं हुड्डा साहब इनको मदद कर रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर को, मनोहर लाल उनको मदद कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की सीट बचाने के लिए। और ये साठ गांठ तो पब्लिक के सामने है। एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए? बिल्कुल, भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ जो सीबीआई और ईडी के मामले हैं और वो साफ दिखाते हैं कि उस डर से निरंतर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह का कैंडिडेट सिलेक्शन किया है, कैंडिडेचर जोड़ा है, वो लोग मदद कर ही रहे हैं। आज के दिन आप देखिए, एक दिग्गज नेता कांग्रेस की किरण चौधरी थी, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से उनकी टिकट कटी। कैप्टन अजय यादव जो पिछली बार 5.5 लाख वोट लेके गुड़गांव गए थे, उनकी सीट काटी। करण दलाल भूपेंद्र हुड्डा के समधी है, 5 साल से फरीदाबाद मेहनत कर रहे थे, उनकी टिकट काट कर क्यों काटी होगी, क्यों लगता है? इसका जवाब तो भूपेंद्र हुड्डा दे कि क्यों इस चीज के लिए उनने ऐसे निर्णय लिए, क्यों समय अनुसार उनने कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ खड़े होने का काम किया है। और आप करनाल की सीट देखिए, करनाल के अंदर बुल्ले शाह जैसे नेता जो चुनाव लड़ना चाहते थे, उनकी सीट काट कर और रातों रात टिकट गुहाना से ले जाकर एक युवा को दे दी जिसको करनाल में कोई जानता है नहीं, जिसका पता करनाल का नहीं है, और आज वो चुनाव लड़ रहा है और उसको यही नहीं पता कि जिला अध्यक्ष कौन है, हल्का अध्यक्ष कौन है। तो आप ये कह रहे हैं दोनों मिले हुए हैं? बिल्कुल मिले हुए हैं। और दीपेंद्र को जिताने के लिए मनोहर लाल जी आज मोदी की रैली नहीं कराते रोहतक के अंदर, वहीं करनाल के अंदर कांग्रेस का कोई दिग्गज नेता नहीं आ रहा। अच्छा, मोदी का चूंकि आपने जिक्र कर ही लिया है, आपको कैसे नेता लगते हैं? जहाँ बात नेता की है, आज के दिन देश में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहाँ लोग अपना माइंडसेट दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। पिछला इलेक्शन तो पुलवामा के नाम चला गया, मैं खुद 5 साल एमपी रहा, मैं अश्योर्ड था मैं चुनाव जीतूंगा, मगर जब रिजल्ट आए तो मैं 3 लाख से हारा, क्योंकि एक दिमाग में लोगों के डल गई थी सर्जिकल स्ट्राइक है। पर धीरे 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 उन्हीं के लोगों ने उसकी पोल खोली, और हमारा प्रदेश तो जवान का प्रदेश है जो फौज में 10% हिस्सा रख के बैठा है, और अगर इस तरह की चीज वहाँ हुई है तो लोग अब धीरे धीरे इस चेहरे को भी समझ रहे हैं, और मुझे लगता है इसी हिसाब से वोट डालने का काम करें। मतलब इस तरीके की चीज आप कह रहे हैं कि वो अब जिस तरह की चीज मलिक साहब ने बताई जो उस समय जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, जिस तरह की बात और लोगों ने बताई जो इस पूरे प्रीफेस में इन्वॉल्व थे, और बताया गया कि ये जो कार्रवाई हुई है इसके तथ्य गलत दिखाए गए, प्लॉटेड था, तो कहीं ना कहीं जनता अब समझती है। अब हर रोज आरक्षण की बात होती है, मंगलसूत्र की बात होती है, देश की प्रगति की बात छुप जाती है, तो ये क्लैरिटी तो लोगों के मन में आ ही रही है। पर तब तो आप सरकार के साथ थे ना, जब ये सारा हो गया, जीत कर आ गए, फिर आपने समर्थन दिया सरकार को। नहीं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना, हम 90 सीटें लड़े। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ की बात कर रही हूँ, हरियाणा की। हरियाणा का चुनाव तो उसके 6 महीने बाद था, परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हो चुकी थी। नहीं, लेकिन मलिक साहब ने जो बातें बताई उस वक्त आपको ये बातें नहीं पता? मलिक साहब ने तो अभी बताई है, पिछले शायद 1 साल पहले। तो तब आप बीजेपी के साथ थे, तब आपने साथ क्यों नहीं छोड़ा? कि विषय साथ छोड़ने, हमने प्रगति प्रदेश की कराने के लिए, हमारी पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा पूरा कराने के लिए हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में प्रदेश में सरकार चलाई। उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आज हमने 80% ऑफ आर मैनिफेस्टो पूरा किया इसके, और जनता के लिए, जनता ने हमें जिस बात के लिए वोट दिया था हमने पूरे कराए। आपने कहा मोदी के नाम से अब जनता जो है इतना कनेक्ट नहीं कर पाती है जितना पहले के चुनावों में हुआ करता था। बिल्कुल है, और ये नतीजे लोकसभा के बाद भी दिखा देंगे, और इसीलिए आप 250 नंबर दे रहे हैं। राहुल गांधी से कनेक्ट कर पा रही है?
देखिए आज के दिन एक टेम्परामेंट जरूर बना है देश के अंदर कि जो मोदी को रहेगा लोग उसको जिताएंगे, तो चाहे वहां पर मोदी? हर सीट पर अलग है। और मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड आज कहता हूँ कि रीजनल एस्पिरेशन जो है वो इस बार जाएगी। राष्ट्रीय हित की जो बात कर रहे हैं उनके सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि रीजनलिज्म इस बार मजबूत होगा। चाहे आप बीजेडी का उठा के देख लीजिएगा उड़ीसा के अंदर, चाहे आप टीडीपी को बीजेपी साथ लाई वो वाक्य उठा लीजिएगा, चाहे आप तेजस्वी की मेहनत देख लीजिए, ममता दीदी की मेहनत देख लीजिए, जो क्षेत्रीय दल है और ये हिस्ट्री रही है 10-15 साल बाद वापस देश रीजनल आवाजों को ताकत देता है। तो इनमें से एक कोई चेहरा आपको नजर आ रहा है जो प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार है? आपने ममता दीदी का जिक्र किया, चेहरा तेजस्वी जी का जिक्र चेहरा 1989 में कोई था, सबसे बड़ा चेहरा चौधरी देवीलाल जी थे। और चौधरी देवीलाल जी को जब फ्लोर लीडर चुना उनने खड़े होकर विश्वनाथ प्रताप सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया। चेहरा तो जनता चुनकर भेजेगी, उसमें उस लीडरशिप की बात है। लेकिन दुष्यंत भाई तब तो सैक्रिफाइस की पराकाष्ठा हुआ करती थी। आपको लगता है कि आज वो सैक्रिफाइस इन नेताओं में दिखता है कि किसी एक के नाम पर सबके सब इकट्ठे हो जाए? भविष्य का किसको पता है, भविष्य आपका दिल क्या? आप मंझे हुए खिलाड़ी हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी जनरेशन में शायद ये अवसर पहली बार है। पर एक नाम बताइए ना जो आपको ऐसे लगता हो कि ये फिट है। सारे फिट है, फिट अनफिट कौन है? राजनीति जो कर रहा है वो जनहित की लड़ाई लड़ रहा है। हाँ। जनहित के मुद्दों पर काम कर रहा है और उसमें से शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा हु इज अनफिट टू डू पॉलिटिक्स। अगर अनफिट है मैं कह रही हूँ प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, प्राइम मिनिस्टर आप किसी को बनाइए, देश चला रहा है। एक नाम ले तो लीजिए, आप जैसे? अखिलेश को आगे करिए, आप तेजस्वी को आगे करिए, आप किसी को उठाइए। मैं तो कहता हूँ सबसे युवा बने देश का प्रधानमंत्री क्यों? आप तो सबसे युवा सांसद थे भी, अभी रिकॉर्ड है आपके नाम पर। मैं तो ये कह रहा हूँ क्यों 60 साल से ऊपर का आदमी देश का प्रधानमंत्री बने? आज ऐसा आए 40-45-50 साल का जो अगले 30 साल की लीडरशिप तो देश को दे। ऐसा हो सकता है कि आपका नाम अचानक से उभर आए? नहीं, मैं तो आज के दिन इतनी बड़ी सोच नहीं रखूंगा। हाँ। मेरा काम हरियाणा प्रदेश की राजनीति के अंदर मेहनत करना है और वो मैं करता रहूंगा। क्या पता भगवान भविष्य में क्या करे। आपको खूब सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और जैसा मैं हर नेता से जो यहाँ पैसेंजर सीट पर बैठता है कहती हूँ, 4 जून को दोबारा आपसे मुलाकात और बात होगी, तो 4 जून को मिलेंगे। आप वाले आंकड़े का हम मंथन और चिंतन करेंगे। आप कह रहे हैं 250 एनडीए को मिल रहा है। बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ 250 के से कम आज के दिन एनडीए, यानी वो सरकार बनाती हुई कतई नहीं दिख रही है। तो हम ये जो आज दावा किया जा रहा है दुष्यंत चौटाला जी की तरफ से, इसे 4 जून को परखेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।